आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ दो मुख्य अपडेट साझा करेंगे और दोनों ही अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जहां पर आप देख लें, पहली अपडेट आप सभी की मानदेय से संबंधित है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अब मानदेय के ही हिसाब से कार्य करेंगे शिक्षा मित्र अनुदेशक। इस अपडेट के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। अब उसके बाद दूसरा आप देख लें कि शिक्षा मित्रों के मामले पर 23 को होगी सुनवाई। कौन सा मामला आपका ऐसा है जो कि अभी कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है, ये सारी बातें आगे वीडियो में आपके साथ चर्चा में लाई जाएंगी। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों पहली अपडेट खुलकर आ चुकी है, आप यहां पर देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई अपडेट के ऊपर चर्चा करेंगे। आप यहां पर देख लें, संविदा अनुदेशकों की कार्य अवधि में बदलाव को चुनौती, राज्य सरकार से जवाब तलब। यहाँ पर मामला क्या है एक बार आप देख लें। प्रयागराज से ये खबर निकल कर आई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों की संविदा अवधि में किए गए संशोधन संबंधी शासनादेश की वैधता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने महाराजगंज के राकेश पटेल की याचिका को विचाराधीन मानते हुए दिया है। याचिका के अनुसार अभी तक 11 माह की संविदा पर अनुदेशकों की संविदा नियुक्त की जाती थी, शासनादेश जारी कर इस अवधि में 15 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 11 माह 15 दिन की संविदा अवधि कर दी गई है, लेकिन इसमें शर्त यह जोड़ दिया गया है कि सर्दियों की छुट्टी यानी कि 31 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक का मानदेय नहीं दिया जाएगा, यानी कि 15 दिन का मानदेय यहां पर नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर के अनुदेशकों की एक याचिका है जिसकी सुनवाई 1 नवंबर को होना सुनिश्चित है। साथियों ये अपडेट अनुदेशकों से जुड़ी हुई थी। दरअसल इनका कहना ये है कि हमसे कार्य पूर्ण लिया जाता है, लेकिन 15 दिन का मानदेय, इतना अल्प मानदेय देने के बावजूद भी 15 दिन का मानदेय यहाँ पर काटा जा रहा है, तो हमें ये मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब यहाँ पर दूसरी क्या अपडेट है मैं आप सभी को दिखा दूं। आप यहाँ पर देख लें, ये जो अपडेट है शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा दी गई है। यहाँ पर आप देख लें, मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को नौकरी देने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई 23 को, हम होंगे कामयाब एक दिन। साथियों ये जो याचिका है आप देख लें, इस पर जो सुनवाई है 23 को होने वाली है, तो आप सभी 23 तक वेट करें। हो सकता है आपके पक्ष में किसी न किसी प्रकार का जो निर्णय है वो कोर्ट के द्वारा दिया जाए। साथियों यही दोनों अपडेट थी आप सभी के लिए। अपडेट आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो वो भी आप सभी साझा करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।